भारत के संपूर्ण प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामनादन अर्थात रामेश्वरम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। रामेश्वरम एक टापू है, प्रधान भूमि से संकुचित समुद्र से अलग करता है। इस संकुचित समुद्र पर बना हुआ रेल का पुल पाम्बन रेलवे स्टेशन और मंडपम रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। मंडपम और पाम्बन के बीच एक सड़किया पुल भी बना हुआ है। रामेश्वरम मंदिर अन्य हिंदू मंदिरों से अधिक प्रसिद्ध इसलिए है कि शिवलिंगम के रूप में यहां स्थापित भगवान शिव के श्री राम ने पूजा की थी, और इसलिए भी कि साईं विभाग और वैष्णव विभाग दोनों प्रकार के भक्तजन एकत्रित होकर भगवान रामनाथ की उपासना करते हैं। भक्ति मार्ग हिंदू मत का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा हर व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी प्राप्ति के लिए धार्मिक स्थानों की तीर्थ यात्रा करना और भगवान का दर्शन करना जीवन की शांति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने का मात्र मार्ग है। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, भगवान की पूजा के लिए स्थल यात्रा करना उनके जीवन का अति अवश्य भाग है। पृथ्वी की पवित्र नदियाँ खेतों की सिंचाई करने के साथ साथ मनुष्य जीवन को अनुशासित भी करती हैं कि वो आकाश और भूमि के सुकून को प्राप्त कर सके। ठाटे मारते गहरे समुद्र और उन पर छाए हुए आकाश भी पवित्र माने जाते हैं और अब भी इन्हें पूजा जाता है। वाराणसी की गंगा और रामेश्वरम का सेतु ऐसे स्थल हैं जो हर प्रकार से पवित्र हैं। तीर्थ यात्रा वाराणसी के आकाश स्थल से आरंभ होती है और रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में पूर्णता प्राप्त करती है। ये निरंतर धारावाहिक तीर्थ केंद्र देश की एकता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से मुंबई तथा विदेश से भी विस्तृत प्रकार से यात्री इस केंद्र तक खींचे चले आते हैं। इस मंदिर की प्राचीनता, कीर्ति और प्रसिद्धता रामायण के समान है। तुलसीदास रामायण, कंब रामायण जैसे महाकाव्य तथा वेद और समृतियों में जगह जगह रामेश्वरम को प्रकट किया गया है, जिसकी सहायता से हम रामेश्वरम के प्राचीन इतिहास को पूर्ण प्रकार समझ सकते हैं। तमिल के महासंत कवि तिरुन्यान संबंदर, तिरुनावकरसर, अरुणगिरी नादर, त्यावु मनवर इन चारों ने इस मंदिर की प्रशंसा के गीत गाए हैं। प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र रामेश्वरम न केवल महाकाव्य रामायण से संबंध रखता है बल्कि देश की एकता का एक चिन्ह भी माना जाता है। हमारे देश के चार महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों में तीन केंद्र उत्तरी दिशा में स्थित हैं और एक दक्षिण के रामेश्वरम में स्थित है।
केवल यही शिवा स्थल है, जिस प्रकार भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है, जिनमें 11 उत्तर में है और केवल एक दक्षिण में हमारे रामेश्वरम में है। इन सब के अलावा मूर्ति तीर्था और स्थला के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी तक एक झोपड़ी के रूप में था और एक संत इसकी देखभाल कर रहे थे। आगे चलकर समय के साथ साथ इसे नया रूप देने में बहुत से लोगों का हाथ है। उन दिनों जबकि आने जाने का कोई माध्यम नहीं था, हमारे पुरखों ने जो कोशिशें की हैं, उनकी भक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इस मंदिर की बनावट और प्रसिद्ध बरामदे भारतीय शिल्प विधा का प्रदर्शन करते हैं। तीसरे बरामदे में 1212 आधार हैं और 2250 पक का मंडल है। यह दुनिया भर में सबसे लंबा बरामदा है। यह तारीफ नहीं होगी अगर हम कहें कि भारतीय शिल्प विद्या के लिए यह मील का पत्थर है। तीर्थ यात्रियों को समझाने के लिए मंदिर का यह रूप इस बात की गवाही देता है कि धार्मिक भाग की महत्वता क्या है और किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है। ये भी कि 22 तीर्थों की इमारत अवश्य होनी चाहिए। बरामदे के अंदर मंदिर के तीर्थम और उनके महत्वता। महालक्ष्मी तीर्थम, धर्मराज ने यहाँ स्नान किया था और धनी हुआ था। सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, राजा काशीवर ने श्राप से मुक्ति पाई थी। सेतु माधव तीर्थम, यहाँ लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद और हृदय का शुद्धिकरण प्राप्त होता है। रामेश्वरम अपने नाम ही से प्रकट करता है, ये रामेश्वरा का पवित्र स्थान है, यानी राम का स्थापित किया हुआ ईश्वर। यहाँ का अध्यक्ष देवता रामेश्वरा, रामलिंगय्या, रामनाथा जैसे नामों से जाना जाता है। पुराणों के प्रकार ऋषियों के उपदेश के अनुसार राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ शिवलिंग स्थापित किया और पूजा की थी। इस प्रकार राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी, क्योंकि ब्रह्मा का पोता होने के नाते रावण एक ब्राह्मण था। कहा जाता है कि राम ने एक निश्चित शुभ समय पर स्थापना करनी चाही और हनुमान जी को लिंगम ले आने के लिए कैलाश पर्वत भेजा, परंतु जब हनुमान जी समय पर नहीं लौट सके तो सीता जी ने स्वयं रेत से लिंगम बनाया और प्रार्थना समाप्त हो गई। तब हनुमान जी कैलाश पर्वत से लिंगम लाए। हनुमान जी रूठ गए और इस रेत के लिंगम को हटाने में नाकाम भी हुए। हनुमान को मनाने के लिए श्री राम ने उनके लाए हुए लिंगम को पास ही में स्थापित कर दिया और ये उत्तर दिया कि हर पूजा का आरंभ हनुमान के लाए हुए विश्वलिंगा से होगा।
ब्रह्महति विमोचन तीर्थम, ब्रह्महति को पापों से मुक्ति मिली थी। नल तीर्थम, सूर्य तेजाओं को प्राप्ति होगी और स्वर्ग पहुंचेगा। नील तीर्थम, पूर्ण यज्ञ का लाभ मिलेगा और अग्नि योग प्राप्त करेगा। गवय तीर्थम, कर्पगा वृक्ष द्वारा शर्म की प्राप्ति। कवच तीर्थम, नरक से छुटकारा मिलेगा। गंधमादन तीर्थम, धन प्राप्त होगा, पाप दुष्कर्म से मुक्ति मिलेगी। चक्र तीर्थम, सूर्य ने अपने हाथ को सुनहला बना लिया था। शिव तीर्थम, भैरव ब्रह्महत्या की पूर्ति। सत्य अमृत तीर्थम, राजा पुरुरुनु ने अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। सर्व तीर्थम, सुतरिक्षणा अपने पैदाइशी अंधेपन, बीमारी और बूढ़ेपन से मुक्त हुए, तब उन्हें सम्मति प्राप्त हुई। शंख तीर्थम, संत वत्सनाबा को इसकी नाशुक्री के पाप से मुक्ति मिली। गया तीर्थम, गंगा तीर्थम, राजा ज्ञान श्रुति को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यमुना तीर्थम, राजा ज्ञान श्रुति को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सूर्य तीर्थम, चंद्र तीर्थम, व्यक्ति यहां भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्यकाल का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार दुनिया को पा सकता है। कोडी तीर्थम, मामा कंस की हत्या के पाप से श्री कृष्ण को मुक्ति प्राप्त हुई। हर एक जानता है कि पूरी मानव जाति अपना जीवन सुख चैन से बिताना चाहती है। अपने पापों से मुक्ति पाने के बाद ही मनुष्य को सुख मिलता है। पापों से मुक्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ रचाएं या फिर पवित्र स्थान की यात्रा करें। इन दोनों कर्मों में तीर्थ स्थानों का दर्शन पापों को धोने में अधिक प्रभावित होता है। जैसे महाभारत में ठीक ही कहा गया है, तीर्थाभिक्मानम पुण्यम यजनैरपि विशिष्यते। भारत देश में गंगा नदी जैसे अनगिनत तीर्थ स्थान पाए जाते हैं, परंतु तीर्थों की महत्वता को उन्हें महान और पवित्र व्यक्तियों से बढ़ावा मिला है जिन्होंने इन तीर्थों को आभूषण किया है। ये बात महाभारत में भी समझाई गई है। श्री रामचंद्र रावण का वध करके जब अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने चाहा कि श्री राम लिंगम की पूजा करें। ऐसा करने से पहले अपने पापों से पाक होने के लिए तीर्था में अपने बाल धोए और खुद को शुद्ध कर लिया। धार्मिक विचार के भक्तों को चाहिए कि इस पवित्र तीर्था में स्नान करें और जीवन के सारे सुख प्राप्त कर लें। इस प्रकार एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करें।
भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, उन सब में एक रामलिंगा है। बाकी जिन स्थलों में हैं उनके नाम ये हैं: काशी, केदारनाथ, उज्जैन, ओमकरम, वैद्यनाथ, भीमशंकरम, नागेशम, नासिक के पास त्यंबकम, कुमरेशम और श्रीशैलम। ज्योतिर्लिंगम जिसे विभीषणा ने स्फटिका लिंगम के रूप में रामेश्वरम में स्थापित किया था, वो विशालाक्षी मंदिर के पास है। ये भगवान रामनाथ का पवित्र एकांत निवास है। इसमें सीता जी का तैयार किया हुआ लिंगम है, जिसका राम ने पवित्रकरण किया था। सामने के मंडप में एक छाया है, जहां राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान अपने अपने हाथ में लिंगम के साथ दिखाई देते हैं। साथ ही एक और चित्र भी दिखाई देता है, जिसमें सुग्रीव सर झुकाए दाहिने हाथ मुंह के पास इस प्रकार रखे हुए है कि दो लिंगम के साथ हनुमान की वापसी का वर्णन कर रहा है। द्वार और छत में उपयोगित चौकर पत्थर सुंदर कारीगरी को प्रकाशित करते हैं। आधारों से उपलब्ध सामने वाला दालान भी दिल को लुभाने वाला और प्रभावशाली है। वहां और तीन छाया हैं, जिनमें हनुमान, गंधमदना लिंगम और अगस्तिया लिंगम हाल के सामने स्थापित है। विश्वनाथ मंदिर। रामनाथ स्वामी तीर्थ स्थल की उत्तर दिशा में विश्वनाथ मंदिर है, जिसे हनुमान लाए थे। हर अवसर पर पूजा इसी मंदिर से आरंभ होती है। विशालाक्षी मंदिर। यह तीर्थ स्थल विश्वनाथ की पत्नी विशालाक्षी अम्बाल के नाम समर्पण है। इस देवी की पूजा भी विश्वनाथ पूजा के साथ प्रथमता से की जाती है। माता पर्वतवर्धिनी। ये भगवान रामनाथ की पत्नी अंबिका देवी का मंदिर है। श्री रामलिंगा दाहिनी हाथ की ओर या दक्षिण दिशा का ये एक अलग मंदिर है। साधारण प्रकार से ये माना जाता है कि मुख्य शिव मंदिर के दाहिनी दिशा का अंबिका मंदिर भक्तों के लिए विशेष मुख्यता और योग्यता रखता है। इस मंदिर में
एक श्री चक्रम है जो पूजा करने और दर्शन करने के लिए प्रभावशाली है। यह मंदिर रामायण काल में बनाया गया। 12वीं शताब्दी तक झोंपड़ी के रूप में एक संत की देखरेख में रहा। आगे चलकर पिछली शताब्दियों में बहुत सो ने इसकी सेवा की, जिनमें सबसे आगे रामनाथपुरम के सेतुपति राजा ही थे। 12वीं शताब्दी में लंका के शासक पराक्रम पागु ने इस मंदिर में पवित्र एकांत निवास का निर्माण किया था, इस बात की साक्षी है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में रामनाथपुरम के शासक उदयन सेदुपति नागौर के वासी वाइसरियर ने 78 पग ऊंचे पश्चिमी ब्रुज और ऊंची दीवारें बनाई। मदुरई के एक साहूकार ने अंबाल मंदिर का प्रारंभ और कुछ पवित्र सेवाएं की। 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी दूसरे प्रारंभ को रामनाथपुरम के शासक तिरुमला सेदुपति ने बनवाया। अंबाल सन्नदी के द्वार पर दक्षिणी भाग में उनके पुत्र रघुनाथ सेतुपति की मूर्ति स्थापित है, जिसे हर शुक्रवार की रात हार पहनाकर गौरवता दी जाती है। फिर उसी शताब्दी में मदुरई के शासक विश्वनाथ नायकन के एक छोटे से राजा ने, जिसका नाम उदयन सेतुपति कट्टत देवर था, नंदी मंडप स्थापित किया और दूसरी भी कई प्रकार की पवित्र सेवाएं की। यहाँ का नंदी ईंटों और चूने का बनाया हुआ है। इसका नाप इस प्रकार है, लंबाई 22 पग, चौड़ाई 12 पग, ऊंचाई 17 पग। 17वीं शताब्दी में दलवाई सेतुपति ने पवित्र मंदिर के पूर्व स्थान में राजगोपुरम के एक भाग को पूरा किया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अंबाल सन्नदी में पवित्र एकांत निवास और सामने वाला मंडप तैयार हुआ। ये पवित्र सेवा रवि विजय रघुनाथ सेतुपति की थी। फिर उसी शताब्दी में मुत्तुरामलिंग सेतुपति ने जग प्रसिद्ध तीसरा प्रारंभ बनवाया। Thank you.
गंधमादन पर्वतम, ये मालाएं वाला मंडप रेत की महत्वता रखता है। रामेश्वरम मंदिर से पूरब में 1.5 मील की दूरी पर है और पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। इस तीर्थ स्थल में श्री राम के चरणों के निशान हैं। इस मंदिर की ऊंची इमारत पर खड़े होकर अगर देखें तो नगर का सुंदर दृश्य और टापू के भाग देखे जा सकते हैं। श्री कोदंड रामन मंदिर श्री राम को समर्पण किया हुआ एक सुंदर सा मंदिर है। रामेश्वरम से 5 मील की दूरी पर स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ही विभीषण के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया गया था और लक्ष्मण के हाथों इसका आरंभ पट्टाभिषेक भी हुआ था। रामलिंगा प्रतिष्ठा त्योहार के समय मई से जून तक राम के उत्सव मूर्ति को रामेश्वरम से यहाँ सोने के थाले में रख कर लाया जाता है, इसलिए कि एक दिन पहले रामेश्वरम बाजार में तिट्टकुड़ी के स्थान पर रावण वध के बाद विभीषणा का राज तिलक किया जाता है। Thank you.
देवी पट्टिनम या नवपाषाणम। समुद्र तट पर बसा हुआ एक और गांव है। यहां समुद्र में राम ने 9 पत्थर स्थापित किए हैं जो 9 नक्षत्रों को प्रभावित करते हैं। ये स्थान रामनाथपुरम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में एक देवी मंदिर भी है। रामेश्वरम और सेतु की तीर्थ यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक के रामनाड के सेतुपति की मिल्कियत की जगह पर बने हुए रामलिंग विलास बंगले के दर्शन नहीं कर लिए जाते। कहा जाता है कि सेतुपति को खुद राम ने मुकुट पहनाया था। प्राचीन काल से रामेश्वरम के साथ सेतुपतियों का संबंध चला आता है। पांड्य राजाओं ने सेतुपतियों को तट के स्थानों का अधिकार सौंपा था और सब सेतुपतियों ने रामेश्वरम को अपना रक्षक देवता समझा था। 31 तीर्थम मंदिर के बाहर देवी पट्टिनम से तिरुपुल्लानी तक और रामनाड के करीब से मंडपम तक फैले हुए हैं। पामबन, तंगच्चिमडम और रामेश्वरम परंपरागत महत्वपूर्ण होने पर भी उनमें से बहुत से देखे भाले न जा सके, इसलिए बहुत से तीर्थ यात्री इन स्थानों के दर्शन का कष्ट नहीं उठाते। इन स्थानों में से कई प्रवेश के योग्य भी नहीं रहे। धनुषकोटी और श्री सेतु। कंबन ने अपनी महाकाव्य रामायण में सेतु बंधम की प्रशंसा की है। यह भी माना जाता है कि श्री राम ने तिरुपुल्लानी पर समुद्र पार करने के लिए 100 योजना लंबा और 10 योजना चौड़ा एक पुल बांधा था। तिरुपुल्लानी को आज भी आदि सेतु करे कहा जाता है। एक और तमिल साहित्य पुस्तक कलिंगत्तुपर्णी में भी रामेश्वरम पर श्री राम के पुल बांधने के संबंध में इशारा मिलता है। पामबन से धनुषकोडी का रेलवे मार्ग कुछ ही वर्ष पहले की जोरदार आंधी से विनाश हो गया। हालांकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई गई, परंतु समय के साथ साथ ये भी रेत के टेलों से ढक गई और नाकारा हो गई। अगर किसी को धनुषकोडी जाना हो तो अब केवल समुद्र तट के द्वारा पैदल या फिर बस, जीप या नावों के द्वारा ही जा सकता है। धनुषकोडी एक दूसरी दिशा द्वारा 16 मील की दूरी पर है। पिछला मार्ग रेल से जुड़ा हुआ था। ये पटियां रेत पर बिछी हैं। रामेश्वरम और धनुषकोडी कभी समुद्री तट पर रेल से जुड़े हुए थे, मगर रेत के टेलों ने उसे इतना ज्यादा ढक दिया कि इस मार्ग का निर्वाह न हो सका। अब मंडपम और पामबन के बीच सड़किया पुल का निर्माण हो चुका है। अब भी समुद्री किनारे से
बोट के द्वारा रामेश्वरम से धनुषकोडी पहुंच सकते हैं। ये टापू शंख के रूप में है जो विष्णु देवता के हाथ में पाए जाने वाले दो प्रथम शस्त्रों में से एक है। श्री विनायकर मंदिर धनुषकोडी। विनायका को समर्पण किया हुआ यही एक मंदिर है जो रामेश्वरम से जुड़ा हुआ धनुषकोडी में स्थापित है। धनुषकोडी गांव की तूफानी तबाही के बाद ये मूर्तियां रामेश्वरम में सुरक्षित कर ली गई हैं। हिंदू भक्तों के लिए सेतु में स्नान करना जीवन का मुख्य कर्तव्य है और रामेश्वरम का मंदिर भारत के अधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। खुद श्री राम ने पट्टाभिषेकम के बाद दोबारा इस तीर्थ स्थल के दर्शन किए थे। बाद के काल में पांच पांडव और बलराम ने भी इस पौराणिक और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल की यात्रा की थी। हिमालय से सेतु और काशी से रामेश्वरम की कहावत ये जाहिर करती है कि सेतु और रामेश्वरम कितनी मुख्यता वाले हैं। भारत के हिंदू तीर्थ स्थलों में बद्रीनाथ, पुरी जगन्नाथ, द्वारकानाथ और रामनाथ अधिकतर प्रसिद्ध हैं। इनमें केवल रामनाथ ही शिव क्षेत्र है जबकि दूसरे तीन स्थल विष्णु क्षेत्र हैं। शिव पुराण, आंजनेय पुराण, पद्म पुराण और रामायण के अनुसार राम ने सेतु बंधनम से पहले ही लिंग को स्थापित कर दिया था और लंका से अयोध्या को पुष्पक विमान में जाते हुए जब यह स्थान रास्ते में दिखाई दिया तो राम ने सीता को यह मंदिर दिखाया था। किसी भी प्रकार से इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वयं राम ने इस लिंगा को स्थापित किया था। सारे धार्मिक हिंदू जन का विश्वास है कि सेतु स्नान और रामेश्वरम दर्शन के द्वारा भक्तों को भगवान का आशीर्वाद और पुत्र भोग प्राप्त होता है। टापू में देखे जाने वाले स्थान श्री विघ्नेश्वरा, श्री रामनाथ स्वामी, श्री पर्वतवर्धिनी, श्री विश्वनाथा, श्री विशालाक्षी, श्री सेतु माधवर, श्री ज्योतिलिंगम, श्री सहस्रलिंगम, श्री वज्रेश्वरर, श्री नटराजा, श्री पल्लिकोंडा, श्री आंजनेयर, श्री नायनमार, श्री शिवदुर्गा, श्री महालक्ष्मी और अन्य देवता। तीसरा बरामदा, दूसरा बरामदा रामलिंग प्रतिष्ठा है तीर्थम। बाहरी दिशा में अग्नि तीर्थम और शंकरामठ, लक्ष्मण तीर्थम, राम तीर्थम, गंधमादन पर्वतम, श्री कोदंड रामर मंदिर, श्री नंबुनायगी मंदिर, श्री भद्रकाली अम्मन मंदिर, श्री काटपुल्यार मंदिर, पामबन रेलवे ब्रिज और पामबन रोड ब्रिज। मंदिर में मुख्य अभिषेक और उत्सव। अभिषेक सहस्र कलसा अभिषेक, सहस्र संघ अभिषेक, अष्टोत्र कलसा अभिषेक। रुद्र अभिषेक, उभय अभिषेक, शंख अभिषेक, गंगा अभिषेक, दूध अभिषेक, स्फटिका लिंग अभिषेक, गुलाब जल अभिषेक, कोडी तीर्थम अभिषेक, विभूति अभिषेक। उत्सव चांदी रथ उत्सव, पंचमूर्ति उत्सव। श्री अम्बाल को सजाकर सोने के रथ पर लेकर मंदिर के तीसरे दालान में यात्रा। रामेश्वरम साधारण सूचना। रामेश्वरम प्रदेश 13,224.22 एकड़, मंदिर प्रदेश
15 एकड़, आबादी 32,500, स्थापन 10 फीट समुद्र तट से ऊपर, मौसम गर्मी के मौसम में गर्मी अधिकतम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, कम से कम 46 डिग्री फ़ारेनहाइट, सर्दी के मौसम में गर्मी अधिकतम 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, कम से कम 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, वर्षा 32 इंच। मुख्य त्यौहार महाशिवरात्रि त्यौहार फरवरी और मार्च, रामलिंगा प्रतिष्ठा त्यौहार मई और जून, आदि तिरुकल्याणा त्यौहार जुलाई अगस्त, नवरात्रि त्यौहार सितंबर अक्टूबर। बोले जाने वाली जुबानें तमिल, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और दूसरी उत्तरी भारत की भाषाएं। ट्रांसपोर्ट करीबी एयरपोर्ट मदुरई, रेलवे स्टेशन रामेश्वरम, बस स्टैंड रामेश्वरम, रेलवे मार्ग एक्सप्रेस चेन्नई 602 किलोमीटर माना मदुरई तिरुची विलुपुरम से होते हुए, दूसरी एक्सप्रेस मद्रास 666 किलोमीटर माना मदुरई तिरुची तंजावुर विलुपुरम से होते हुए, तीसरी एक्सप्रेस कोयम्बतूर 375 किलोमीटर, चौथी पैसेंजर्स मदुरई 164 किलोमीटर। बसें उत्तरी भाग से और तमिलनाडु से रामेश्वरम टाउन बसें भी धनुषकोटी, पामबन मंदिर और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक दौड़ती हैं।